एवरीवन, दिस इज शिखा श्रीवास्तव फ्रॉम मैथमेटिक्स फार्म। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग क्लास 7 चैप्टर 6 दैट इज द ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज में एक्सरसाइज 6.5 सॉल्व करेंगे। और ये मैं अपडेटेड एनसीईआरटी सिलेबस 2023 के अकॉर्डिंग आप लोगों को पढ़ा रही हूँ। क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि इसकी पिछली वीडियो में मैंने एक्सरसाइज 6.1, 6.2, 6.3 एंड 6.4 फुल्ली कवर किया है। अगर आप लोग मेरी वो वीडियो देखना चाहते हैं तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक डाल दी हूँ जो कि इस चैप्टर की प्लेलिस्ट की लिंक है। आप वहां से इस चैप्टर की कोई भी वीडियो देख सकते हो। एंड स्टूडेंट्स, आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे कि मैं अपनी जितनी भी न्यू वीडियोस डालूं उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिले। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज PQR इज अ ट्राइंगल। PQR एक ट्राइंगल है, राइट एंगल एट P, जो P वर्टेक्स पे राइट एंगल फॉर्म कर रहा है। If PQ is equals to 10 centimeter, PR is equals to 24 centimeter, find QR. आपको दो साइड दी है, तीसरी साइड फाइंड आउट करनी है। तो चलिए सबसे पहले ट्राइंगल बनाते हैं। और ट्राइंगल कैसा? तो राइट एंगल ट्राइंगल। चलिए राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं। दिस इज राइट एंगल ट्राइंगल, यहाँ पे राइट एंगल बन रहा है। राइट एंगल मीन्स 90 degree, ठीक है। और ये किस वर्टेक्स पे राइट एंगल फॉर्म कर रहा है? तो P वर्टेक्स पे, तो इस वर्टेक्स को मैं P नेम दूंगी। अब QR आप किसी को भी बोल सकते हो, इसको मैंने Q बोला और इसको R बोला। आप इसको Q बोल सकते हो, इसको R बोल सकते हो, आपकी मर्जी, ठीक है। तो PQR एक ट्राइंगल बन गया। आपको गिवन क्या है? PQ इज इक्वल टू 10 centimeter, ये वाली साइड की लेंथ गिवन है 10 centimeter। PR इज इक्वल टू 24, मीन्स ये वाली साइड आपको गिवन है 24 centimeter। आपको ये वाली साइड फाइंड आउट करनी है। कौन सी? ये वाली साइड। आप लोग को पता होगा जहां 90 डिग्री बनता है उसकी जो अपोजिट साइड होती है, मीन्स उसके सामने वाली जो साइड होती है उसको हम लोग हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। और बाकी की जो रिमेनिंग साइड्स हैं उनको हम लोग लेग्स बोलते हैं। तो ये वाली साइड और ये वाली साइड, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? लेग्स बोलते हैं। राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल में दो साइड गिवन है, थर्ड साइड फाइंड आउट करनी है। तो हम लोग किस थ्योरम का यूज करेंगे? पाइथागोरस थ्योरम का। पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके हम थर्ड साइड फाइंड आउट करेंगे। तो यहां लिखिए बाई पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? द स्क्वायर ऑन द हाइपोटेन्यूज इज इक्वल्स टू सम ऑफ स्क्वायर्स ऑन द लेग्स, ठीक है। सो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज कौन सी साइड है? ये वाली साइड है आर क्यू। तो मैं यहां पे लिखूंगी आर क्यू का स्क्वायर इज इक्वल्स टू लेग्स के स्क्वायर का सम। तो लेग्स कौन कौन सी है? आर पी और पी क्यू। तो हो जाएगा आर पी का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर। यही होती है पाइथागोरस थ्योरम। हमें आर क्यू की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो आर क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर पी की वैल्यू हमें पता है कितनी? 24 centimeter, इसका स्क्वायर हो जाएगा। आप डायरेक्ट 24 का स्क्वायर करिए, प्लस PQ की वैल्यू है 10, 10 का स्क्वायर हो जाएगा। 24 का स्क्वायर कितना होता है? तो 24 इंटू 24 करिए, 4 जा 16, कैरी आया 1, 4 2 जा 8, 8 1 9, 4 2 जा 8, 2 2 जा 4, 6 9 8 17, कैरी आया 1, 576 प्लस 10 जा 100, 576 और 100 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 676। ये आया आर क्यू स्क्वायर की वैल्यू। आपको निकालनी आर क्यू की वैल्यू है, तो इस स्क्वायर को हटाना पड़ेगा। सो आर क्यू इज इक्वल्स टू, जब इधर से स्क्वायर हटेगा तो उस साइड अंडर रूट लग जाता है। अंडर रूट मीन्स स्क्वायर रूट, 676। अब आप लोग स्क्वायर रूट निकालना जानते होंगे, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। चलिए 676 का प्राइम फैक्टराइजेशन यहां पे करते हैं। 2 से डिविजिबल है,
2 3 6 2 3 6 एंड 2 8 16 फिर से 2 से 2 1 2 2 6 12 एंड 2 9 18 अब किससे कटेगा आपको पता होगा कि ये 13 का स्क्वायर है 13 जब 169 होता है सो 13 से डिविजिबल है 13 जब 169 एंड 13 1 13 अब हम लोग को स्क्वायर रूट निकालना है स्क्वायर रूट ऑफ 676 सारे फैक्टर्स को लिखिए 2 × 2 × 13 × 13 स्क्वायर रूट निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं पेयर ऑफ इक्वल फैक्टर बनाते हैं ठीक है एक 2 का बना पेयर और एक 13 का पेयर बना फिर इसमें से एक एक फैक्टर बाहर ले लेते हैं यहां से 2 बाहर आएगा और यहां से 13 सो स्क्वायर रूट ऑफ 676 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 × 13 13 × 2 = 26 कितना आ जाएगा आरक्यू की वैल्यू 26 और यूनिट क्या होगी सबको सेंटीमीटर में था तो ये भी सेंटीमीटर में ही होगा यही आपसे पूछा था फाइंड QR QR की वैल्यू फाइंड करिए तो QR चाहे लिखिए चाहे आरक्यू लिखिए देखिए यही साइड तो है चाहे QR बोलिए चाहे आरक्यू बोलिए सो QR की वैल्यू कितनी आ गई 26 सेंटीमीटर दिस इज योर आंसर नाउ सेकेंड क्वेश्चन इज एबीसी इज अ ट्राइंगल एबीसी एक ट्राइंगल है राइट एंगल एट सी जो सी वर्टेक्स पे राइट एंगल फॉर्म कर रहा है इफ एबी इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर एसी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर फाइंड बीसी आपको ट्राइंगल के दो साइड गिवन है थर्ड साइड फाइंड आउट करनी है तो सबसे पहले एक ट्राइंगल बनाएंगे और वो कैसा ट्राइंगल है तो राइट एंगल ट्राइंगल है तो चलिए सबसे पहले एक राइट एंगल ट्राइंगल बना रहे हैं यहाँ पे देखिए राइट एंगल बन रहा है राइट एंगल मींस 90 डिग्री और किस वर्टेक्स पे राइट एंगल फॉर्म हो रहा है सी वर्टेक्स पे तो इस वर्टेक्स को मैं सी नाम दूंगी ए बी आप किसी भी वर्टेक्स को बोल सकते हो इसको मैं ए बोल रही हूँ और इसको बी बोल रही हूँ तो ए बी सी एक ट्राइंगल बन गया जो सी वर्टेक्स पे राइट एंगल फॉर्म कर रहा है आगे इफ ए बी इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर मीन्स ये वाली साइड की लेंथ गिवन है 25 सेंटीमीटर एसी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर एसी ये वाली साइड है 7 सेंटीमीटर फाइंड बीसी आपको ये वाली साइड फाइंड आउट करनी है ठीक है राइट एंगल ट्राइंगल में दो साइड गिवन है थर्ड साइड फाइंड आउट करनी है हम कौन सा थ्योरम लगाते हैं पाइथागोरस थ्योरम तो आप यहां पे लिखिए बाई पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू लेग्स के स्क्वायर का सम यहाँ पे हाइपोटेन्यूज कौन सी साइड होगी तो राइट एंगल के सामने वाली साइड को हम लोग हाइपोटेन्यूज बोलते हैं तो ये है हाइपोटेन्यूज और बाकी की जो दो रिमेनिंग साइड्स है उनको हम लोग लेग्स बोलते हैं ठीक है सो ये वाली साइड और ये वाली साइड ये कौन सी साइड है लेग्स ठीक है सो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर हाइपोटेन्यूज है ए बी ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू लेग्स के स्क्वायर का सम तो लेग है ए सी एसी का स्क्वायर और कौन सी है बीसी बीसी का स्क्वायर लेग्स के स्क्वायर का सम यही होता है पाइथागोरस थ्योरम अब वैल्यूज पुट करिए ए बी की वैल्यू है 25 तो 25 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी की वैल्यू है 7 का स्क्वायर बीसी की वैल्यू हम लोगों को फाइंड आउट करनी है सो 25 का स्क्वायर कितना होता है 625 ये 7 का स्क्वायर 49 एंड प्लस बीसी स्क्वायर 49 को इधर ले आइए तो 625 माइनस में हो जाएगा 49 इज इक्वल टू बीसी स्क्वायर ठीक है सब्ट्रैक्ट करिए 625 में से 49 15 में से 9 गया 6 यहां क्या बचा यहां बचा 1 तो 11 में से 4 गया और यहां बचा 5 कितना आ गया 576 इज इक्वल टू बीसी स्क्वायर तो बीसी स्क्वायर को आप इस साइड लिखिए इज इक्वल टू 576 ये बीसी स्क्वायर की वैल्यू आ रही है हमें निकालनी बीसी की वैल्यू है स्क्वायर इस साइड से हटता है तो दूसरे साइड स्क्वायर रूट लग जाता है 576 अब 576 का स्क्वायर रूट निकालना है स्क्वायर रूट निकालने के लिए हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं ये 2 से डिविजिबल है
सो 2 जा 4 कैरी आया 1 बन गया 17 2 8 जा 16 एंड 2 8 जा 16 फिर से 2 से 2 1 जा 2 2 4 जा 8 2 4 जा 8 फिर से 2 से 2 7 जा 14 2 2 जा 4 फिर से 2 से 2 3 जा 6 2 6 जा 12 फिर से 2 से डिविजिबल है 2 1 जा 2 2 8 जा 16 2 9 जा 18 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3 अब स्क्वायर रूट निकालना है 576 का तो किसके बराबर होगा देखिए सारे फैक्टर्स को पहले यहाँ पे लिख लीजिए 2 × 2 × 2 × 3 × 3 ठीक है स्क्वायर रूट निकालने के लिए पेयर ऑफ इक्वल फैक्टर बनाते हैं तो देखिए यहाँ पे 2 का पेयर बन रहा है फिर से 2 का और एक 3 का पेयर बन रहा है हर एक पेयर से एक एक नंबर बाहर निकाल लीजिए निकाल लिया और इन सब का मल्टीप्लाई कर दीजिए सो स्क्वायर रूट ऑफ 576 कितना आ जाएगा 2 जा 4 4 2 जा 8 8 3 जा 24 सो बीसी की वैल्यू आ जाएगी 24 और यूनिट क्या होगी सारी साइड की यूनिट सेंटीमीटर में थी तो ये भी सेंटीमीटर में ही आएगा दिस इज द आंसर हमसे बीसी पूछा था हमने बीसी फाइंड आउट कर लिया ओके नाउ थर्ड क्वेश्चन इज अ 15 मीटर लॉन्ग लैडर रीच द विंडो 12 मीटर हाई फ्रॉम द ग्राउंड एक 15 मीटर लॉन्ग लैडर है लैडर मीन सीढ़ी ये देखिए आपको लैडर दिख रही होगी जिसकी लेंथ 15 मीटर है 15 मीटर लॉन्ग लैडर रीच द विंडो विंडो तक पहुंच जाती है 12 मीटर हाई फ्रॉम द ग्राउंड और ये जो विंडो है ये 12 मीटर हाई है ग्राउंड से अगर मैं इस लेवल को ग्राउंड बोल दूं ये ग्राउंड लेवल है ठीक है ये ग्राउंड है तो ग्राउंड से 12 मीटर हाई यहां तक ये विंडो है यहां तक ये लैडर पहुंच गई ऑन प्लेसिंग इट अगेंस्ट अ वॉल जब इसको इस वॉल के अगेंस्ट में प्लेस किया गया एट अ डिस्टेंस ए ये देखिए डिस्टेंस ए पर यहां से डिस्टेंस ए पर इसको ऐसे प्लेस किया गया वॉल के अगेंस्ट में तो ये 12 मीटर हाई विंडो तक पहुंच गई फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द लैडर फ्रॉम द वॉल ये देखिए ये फुट ऑफ द लैडर है लैडर का फुट यही तो है आपको डिस्टेंस फाइंड करना है फुट ऑफ द लैडर फ्रॉम द वॉल मीन्स आपको ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपको बताना है कि ये जो लैडर का फुट है ये वॉल से कितने डिस्टेंस पर है ठीक है तो देखिए यहां पे आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है क्योंकि ये एक वॉल है तो ग्राउंड से एकदम स्ट्रेट पे वॉल होती है तो यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल बनेगा 90 डिग्री का तो ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गया अब राइट एंगल ट्राइंगल में आपको दो साइड गिवन है थर्ड साइड फाइंड आउट करनी है तो कौन सी थ्योरम लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम तो यहां पे लिखिए बाई पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू लेग्स के स्क्वायर का सम हाइपोटेन्यूज कौन सी साइड होती है 90 डिग्री के सामने वाली साइड जहां पे राइट एंगल फॉर्म होता है उसका अपोजिट साइड जो होता है उसको हम लोग हाइपोटेन्यूज बोलते हैं तो इसकी अपोजिट साइड ये वाली है तो ये वाली साइड कौन सी है हाइपोटेन्यूज और जो रिमेनिंग साइड है उसको हम लोग लेग्स बोलते हैं लेग्स है ना ये वाली साइड और ये वाली साइड इसको हम लोग क्या बोलते हैं लेग्स तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू लेग्स के स्क्वायर का सम ठीक है तो चलिए यहां पे लिख देते हैं द स्क्वायर ऑन द हाइपोटेन्यूज इज इक्वल्स टू सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑन द लेग्स यही होती है पाइथागोरस थ्योरम अब हाइपोटेन्यूज की लेंथ कितनी है तो 15 मीटर तो यहां पे लिखिए 15 का स्क्वायर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू लेग्स एक लेग है 12 मीटर तो यहां हो जाएगा 12 का स्क्वायर और दूसरा जो लेग है वो ए है इसको मैं ए का स्क्वायर लिखूंगी ठीक है हमें ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो 15 जा 225 इज इक्वल टू 12 जा 144 प्लस ए स्क्वायर
ए स्क्वायर को इस साइड बचाइए, यहाँ पे है 225, ये प्लस का 144 इस साइड ले आइए तो माइनस का 144 हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट करिए, 5 में से 4 गया 1 एंड देन यहाँ बचा 12, 12 में से 4 गया 8, 81 इज इक्वल टू ए स्क्वायर या फिर ए स्क्वायर इज इक्वल टू 81। ये तो ए स्क्वायर की वैल्यू आई है, हमें निकालनी है ए की वैल्यू, तो यहां से स्क्वायर हटाना पड़ेगा, इधर से स्क्वायर हटेगा तो इस साइड स्क्वायर रूट लग जाएगा, ठीक है। अब 81 का स्क्वायर रूट कितना होता है, आप इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करके भी निकाल सकते हो या फिर अगर आपको लर्न हो तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो। चलिए हम यहाँ पे निकालते हैं, किससे डिविजिबल है, 3 से, 3 2 जा 6, कह लिया है 2 बन गया 21, 3 7 जा 21, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3, ठीक है। तो ये जो पेयर ऑफ इक्वल फैक्टर है यहां से एक एक नंबर बाहर आ जाएगा, इन 3 के पेयर से एक 3 बाहर आएगा और इस 3 के पेयर से एक 3 बाहर आ जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3 3 जा 9, यही आएगी ए की वैल्यू, यूनिट मीटर में थी तो यहाँ भी यूनिट मीटर ही होगी, ठीक है। हमसे यही पूछा था कि फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द लैडर फ्रॉम द वॉल, तो वो आई कितनी, 9 मीटर। आप इसको वर्ड्स में भी लिख सकते हो, आप यहां पे लिख दीजिए द डिस्टेंस, द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द लैडर, फुट ऑफ द लैडर फ्रॉम द वॉल इज 9 मीटर। मीन्स ये जो लैडर का फुट है ये वॉल से 9 मीटर पर रखा गया है, यहां से यहां तक 9 मीटर के डिस्टेंस पे ये फुट है लैडर का, ठीक है। दिस इज योर आंसर। नाउ फोर्थ क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द साइड्स ऑफ अ राइट ट्राइंगल। देखिए यहाँ पे कुछ आपको पॉइंट्स दे रखे हैं, इन पॉइंट्स में साइड्स की वैल्यू गिवन है, ट्राइंगल की 3 साइड होती है, देखिए यहाँ पे 3 साइड आपको गिवन है, आपको बताना है कि इसमें से कौन सी राइट ट्राइंगल की साइड्स हो सकती हैं। राइट ट्राइंगल मीन्स राइट एंगल ट्राइंगल की साइड कौन सी हो सकती है, ये आपको बताना है। उसके बाद कह रहा है इन द केस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल आइडेंटिफाई द राइट एंगल्स। राइट एंगल ट्राइंगल के केस में आपको राइट एंगल को आइडेंटिफाई करना है, मींस ये जो साइड आपको गिवन है अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल की साइड हुई, मींस अगर आप इस साइड्स का यूज करके एक राइट एंगल ट्राइंगल बना पा रहे हो तो आपको वहां पे राइट एंगल को आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। राइट एंगल ट्राइंगल के लिए हम लोगों ने कौन सी थ्योरम पढ़ी है, तो हम लोगों ने पढ़ी है पाइथागोरस थ्योरम। तो ये जो साइड्स गिवन है अगर ये पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई कर दे तो हम कह सकते हैं कि ये राइट एंगल ट्राइंगल की साइड होगी। अगर ये साइड्स जो है वो पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई ना करें तो हम कह सकते हैं कि ये जो साइड्स है वो राइट एंगल ट्राइंगल की साइड नहीं है। तो सबसे पहले हम पाइथागोरस थ्योरम समझते हैं, क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम। ये है राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है, यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, 90 डिग्री के सामने वाला जो साइड होता है वो सबसे बड़ा साइड होता है और उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज। और ये जो बाकी के साइड्स हैं, ये वाली और ये वाली, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, लेग्स। क्या बोलते हैं, लेग्स। जो हाइपोटेन्यूज होती है वो सबसे बड़ी साइड होती है और ये जो दोनों लेग्स हैं ये हाइपोटेन्यूज से छोटी होती हैं। सबसे बड़ी साइड जो होती है हाइपोटेन्यूज होती है और ये जो दोनों लेग्स हैं ये हाइपोटेन्यूज से छोटी होती है, ठीक है। सो अगर मैं इस हाइपोटेन्यूज को ए बोल दूं, मींस ये जो साइड है इसको मैंने ए बोल दिया और ये जो दोनों लेग्स हैं इनको मैं बी और सी बोल रही हूँ, इसको मैं बी बोल रही हूँ और इसको सी बोल रही हूँ, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, लिखिए यहाँ पे, बाई पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज को मैंने ए बोला है, ए का स्क्वायर इज इक्वल्स टू लेग्स के स्क्वायर का सम। तो लेग्स क्या है, बी और सी, तो बी और सी का स्क्वायर करिए, बी स्क्वायर और सी स्क्वायर और इनका सम करिए,
यही होती है पाइथागोरस थ्योरम। या फिर मैं बोल सकती हूँ कि बड़ी साइड का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बाकी की जो दो छोटी साइड है उनके स्क्वायर का सम। देखिए बड़ी साइड का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बाकी की जो दो छोटी साइड्स थी उनके स्क्वायर का सम। यही होता है पाइथागोरस थ्योरम। अब आपको यहाँ पे साइड्स गिवन है, आप पाइथागोरस थ्योरम लगाइए और देखिए कि कौन सी साइड पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई कर रही है। जो सेटिस्फाई करेगी वो राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म करेगी। तो चलिए फर्स्ट चेक करते हैं। फर्स्ट में है 2.5 सेंटीमीटर, 6.5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। अब सबसे बड़ी साइड आपको कौन सी दिख रही है, 6.5 सेंटीमीटर दिख रही है कि नहीं? तो ये हाइपोटेन्यूज होगा। क्या होगा? हाइपोटेन्यूज मीन्स 6.5 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बाकी की ये जो दोनों छोटी साइड हैं इनके स्क्वायर का सम। 2.5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर अगर ये सेटिस्फाई हो रहा है तो इसका मतलब ये राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म करेंगी। अब चलिए ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है। मैं लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर रही हूँ। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू 6.5 का स्क्वायर। 6.5 × 6.5 मल्टीप्लाई करिए। 5 × 5 = 25 कैरी आया 2, 6 × 5 = 30, 30 × 2 = 32, 6 × 5 = 30 कैरी आया 3, 6 × 6 = 36 और 3 = 39। ऐड करिए 5, 2, 9, 3, 12 कैरी आया 1, 4। ठीक है, यहाँ पे डेसिमल वन प्लेस पहले, तो यहाँ पे दो प्लेस पहले डेसिमल लगेगा, कितना आ जाएगा 42.25। ये तो आ गई लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू। अब राइट हैंड साइड सॉल्व करिए। राइट हैंड साइड में क्या है, 2.5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर है ना। 2.5 का स्क्वायर कितना होगा, मल्टीप्लाई करिए। 5 × 5 = 25 कैरी आया 2, 5 × 2 = 10, 10 × 12, 2 × 5 = 10 कैरी आया 1, 2 × 2 = 4, 4 × 1 = 5, 5, 2, 6। डेसिमल दो प्लेस पहले लग जाएगा तो कितना आ गया 6.25 एंड प्लस 36। यहाँ डेसिमल के बाद दो प्लेस है, यहाँ डेसिमल के बाद आप 0.00 बढ़ा लीजिए। ठीक है, सो 36.00 प्लस 6.25 ऐड करिए सो आ जाएगा 42.25। अब हमें चेक करना है कि जो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू है वो क्या राइट हैंड साइड की वैल्यू के बराबर है। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड में 42.25 आया है और राइट हैंड साइड में भी 42.25 आया है, मींस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड आ रहा है। इसका क्या मतलब है कि ये पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाइड कर रहा है कि नहीं, तभी तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आ रहा है। इसका मतलब ये जो साइड्स हैं ये राइट ट्राइंगल फॉर्म करेंगी, ये राइट ट्राइंगल की साइड्स हैं तभी तो ये पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाइड कर रही है। तो आप क्या लिखोगे, आपसे क्वेश्चन में पूछा था क्या ये राइट ट्राइंगल की साइड्स हो सकती हैं, तो यस ये राइट ट्राइंगल की साइड्स हो सकती हैं। अब अगर मैं इसका ट्राइंगल बनाऊ, यहां पे बना रही हूं, तो एक राइट ट्राइंगल बनाइए आप यहां 90 डिग्री। ठीक है, तो इसके सामने वाला हाइपोटेन्यूज होगा जो कि सबसे बड़ी साइड होगी, तो ये होगा 6.5 सेंटीमीटर और बाकी की दो साइड्स आप कहीं भी लिख सकते हो जो आपको छोटा बड़ा जैसा दिखे। जैसे 6 सेंटीमीटर ये बड़ी दिख रही है तो यहाँ पे आप लिख दीजिए 6 सेंटीमीटर और यहाँ पे आप लिख दीजिए 2.5 सेंटीमीटर। ऐसा कुछ ट्राइंगल बनेगा, इसका कुछ नाम दे दीजिए ए बी सी। तो अगर ये राइट ट्राइंगल बन रहा है तो आपको अब यहाँ पे राइट एंगल भी आइडेंटिफाई करना है। तो राइट एंगल कहां पे है, ए पे, तो आप क्या लिखेंगे, राइट एंगल फॉर्म एट ए। ठीक है, दिस इज योर आंसर। अब सेकेंड चेक करेंगे, ऐसे ही सेकेंड चेक करेंगे। सेकेंड
क्या क्या साइड्स दी है, 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। सबसे बड़ी साइड है 5 सेंटीमीटर, तो ये हाइपोटेन्यूज होगी। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बाकी की जो दो छोटी साइड है उनके स्क्वायर का सम, तो 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। अगर ये सेटिस्फाइड हो गया मींस लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू राइट हैंड साइड की वैल्यू के बराबर आ गई, तो इसका मतलब है कि ये पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई कर रही है। और अगर पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई हो रहा है तो ये राइट ट्राइंगल की साइड होंगी। तो चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में है 5 का स्क्वायर 25, तो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू आ गई। अब राइट हैंड साइड सॉल्व करिए, राइट हैंड साइड इज इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 प्लस 4 4 4 8। राइट हैंड साइड में तो 8 आ रहा है, तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की वैल्यू इक्वल नहीं आ रही है। आप क्या लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, मीन्स ये पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो ये राइट ट्राइंगल की साइड्स नहीं है। आप यहाँ क्या लिखोगे, नो, आप इन साइड से राइट ट्राइंगल नहीं बना सकते हो। ठीक है, अब आगे थर्ड, इसको इरेज करती हूं। थर्ड, साइड दी है 1.5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर। सबसे बड़ी साइड कौन सी है, तो ये वाली है, ये हाइपोटेन्यूज होगी। सो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बाकी की जो दो स्मॉल साइड है उनके स्क्वायर का सम, 1.5 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। अब देखते हैं क्या ये सेटिस्फाई हो रहा है। सो लेफ्ट हैंड साइड सबसे पहले सॉल्व करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में है 2.5 का स्क्वायर। 2.5 का स्क्वायर कितना होता है, सो 6.25 होता है, बट मैं मल्टीप्लाई कर दे रही हूँ। 5 5 जो 25 कैरी आया, 2 5 2 जो 10 10 टू 12, 2 5 जो 10 कैरी आया, 1 2 2 जो 4 4 1 5। ठीक है, कितना आ गया, दो प्लेस पहले डेसिमल लगेगा, 6.25 आएगा। ठीक है, ये आ गई लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू। अब राइट हैंड साइड सॉल्व करिए, सो 1.5 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। 1.5 का स्क्वायर कितना होता है, 2.25 होता है, बट मैं मल्टीप्लाई कर दे रही हूँ। 5 5 जो 25 कैरी है 2, 5 1 जो 5 5 2 7 1 5 जो 5 1 1 जो 1, 7 5 12 कैरी आया 1। ये देखिए 2.25 आ गया, एंड प्लस 2 2 जो 4 ऐड करिए, तो 2.25 प्लस 4.00 कितना आ जाएगा, 4 to 6.25। ये आ गई राइट हैंड साइड की वैल्यू। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की जो वैल्यू आ रही है वो इक्वल आ रही है, तो आप क्या लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, मींस ये पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई कर रही है। अगर पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई हो रहा है तो इसका मतलब ये जो साइड्स है इनसे आप राइट ट्राइंगल बना सकते हो, मींस ये राइट ट्राइंगल की साइड्स हो सकती हैं। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, यस। अब चलिए एक ट्राइंगल बना लेते हैं, अगर इससे राइट ट्राइंगल बन सकता है तो ट्राइंगल बना लेते हैं। यहाँ पे बनाती हूँ मैं, यहाँ 90 डिग्री है, इसके सामने वाला हाइपोटेन्यूज होगा मींस 2.5 सेंटीमीटर, और आप कहीं भी कोई भी वैल्यू लिख सकते हो जो छोटा बड़ा जैसा आपको दिखे। ये मुझे थोड़ा बड़ा दिख रहा है तो मैं इसको 2 सेंटीमीटर लिख रही हूँ और इसको 1.5 सेंटीमीटर लिख रही हूँ। ठीक है, इसका कुछ नाम दे दीजिए, PQR। ठीक है, तो राइट ट्राइंगल कहाँ फॉर्म हो रहा है आपको बाद में बताना था ना, अगर आप राइट ट्राइंगल बना पा रहे हो तो आपको ये बताना था कि राइट ट्राइंगल कहाँ पे बन रहा है, तो आपको ये लिखना है राइट एंगल फॉर्म एट पी। दिस इज योर आंसर। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन इज, अ ट्री इज ब्रोकन एट अ हाइट ऑफ 5 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड एंड इट्स टॉप टचेस द ग्राउंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द ट्री, फाइंड द ओरिजिनल हाइट ऑफ द ट्री।
तो सबसे पहले हम एक ट्री बना लेते हैं। ये देखिए, ये एक ट्री है, ठीक है, ये एक ट्री है। क्या कह रहा है, ट्री इज ब्रोकन। एक ट्री जो है वो टूट जाता है एट ए हाइट ऑफ 5 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। ग्राउंड से 5 मीटर की हाइट पे, सपोज यहां से यहां तक 5 मीटर है, 5 मीटर हाइट से ये जो है टूट जाता है। एंड इट स्टॉप टचेस द ग्राउंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द ट्री। ये है बेस ऑफ द ट्री, और जो इसका टॉप है वो ग्राउंड से टच होता है। ये देखिए टूट कैसे गिर जाएगा, ये ऐसे गिर गया, ठीक है। तो इसका जो टॉप है वो ग्राउंड को टच हो रहा है एट अ डिस्टेंस 12 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ ट्री। बेस ऑफ ट्री से 12 मीटर की डिस्टेंस पे, मींस ये वाली डिस्टेंस आपको दी है 12 मीटर। फाइंड द ओरिजिनल हाइट ऑफ द ट्री। आपको ट्री की ओरिजिनल हाइट बतानी है। ओरिजिनल हाइट मींस यहां से लेके यहां तक की लेंथ, यही फाइंड आउट करना है। तो देखिए 5 मीटर तक तो अभी भी ट्री है, 5 मीटर के बाद ये ट्री जो है यहां से ऐसे ब्रेक होके ग्राउंड को टच होने लगा। तो ओरिजिनल हाइट ऑफ ट्री कैसे निकलेगी, ये 5 मीटर और प्लस ये वाली लेंथ। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूंगी, क्योंकि ये जो पोर्शन है यही तो ऐसे टूट के गिरा है, तो ये 5 मीटर और प्लस ये वाला जो भी इसकी वैल्यू है, इन दोनों को जब मैं ऐड कर दूंगी तो हमको ओरिजिनल हाइट ऑफ ट्री मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है, यहाँ पे राइट एंगल बन रहा है 90 डिग्री। इस वाली साइड को मैं ए बोल रही हूँ। क्या बोल रही हूँ, ए बोल रही हूँ। तो 90 डिग्री के सामने वाली साइड है ये। 90 डिग्री के सामने वाली साइड कौन सी साइड होती है, हाइपोटेन्यूज होती है, हाइपोटेन्यूज। और ये सबसे बड़ी साइड होती है ट्राइंगल में, राइट एंगल ट्राइंगल में सबसे बड़ी साइड हाइपोटेन्यूज होती है। और ये जो दोनों साइड्स हैं इनको हम लोग क्या बोलते हैं, लेग्स बोलते हैं। ये हाइपोटेन्यूज से दोनों छोटी होती हैं। अब हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे और पाइथागोरस थ्योरम से हम हाइपोटेन्यूज की वैल्यू निकाल लेंगे। यहां पे लिखिए बाई पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर मींस ए का स्क्वायर इज इक्वल्स टू लेग्स के स्क्वायर का सम। तो लेग कौन कौन सी है, 12 है, इसका स्क्वायर करिए, और 5 है इसका स्क्वायर करिए, और इन दोनों का सम करिए। यही होती है पाइथागोरस थ्योरम। सॉल्व करिए, 12 जा 144, 5 जा 25, ऐड करिए 549, 426 एंड 1, ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 169। तो ए इज इक्वल्स टू कितना होगा, इधर से स्क्वायर हटेगा तो इस साइड आएगा अंडर रूट 169 का अंडर रूट, या फिर स्क्वायर रूट आप लोग जानते होंगे 13 होता है। अगर नहीं जानते तो आप लोग प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेना, कि 13 से कटेगा, 13 वन जा 13, कैरी आया 3 बन गया 39, 13 3 जा 39 एंड 13 वन जा 13। सो 169 को मैं लिख सकती हूँ 13 × 13। हमें निकालना है स्क्वायर रूट, ठीक है, स्क्वायर रूट निकालना है। तो ये जो इक्वल फैक्टर का पेयर आया है इसमें से एक फैक्टर बाहर निकल आएगा, दैट इज 13। सो स्क्वायर रूट ऑफ 169 कितना आ गया, 13, ठीक है। यहां आप लिख दीजिए ए की वैल्यू आ गई 13, और यूनिट क्या होगी, मीटर होगी। ये तो आ गई ए की वैल्यू, हमें निकालना है ओरिजिनल हाइट ऑफ द ट्री। तो यहां पे लिखिए सो ओरिजिनल हाइट ऑफ द ट्री इज इक्वल्स टू 5 मीटर प्लस 5 मीटर प्लस 13 मीटर इज इक्वल्स टू 18 मीटर। This is your answer. Now, sixth question is, angles Q and R of a triangle PQR are 25 degree and 65 degree. ये देखिए ट्राइंगल है PQR, आपकी बुक में गिवन है। इसमें Q का मेजर है 25, Q का मेजर है 25 degree और R का मेजर है 65 degree. तो राइट विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। आपको बताना है कि जो
फॉलोइंग पॉइंट्स आपको गिवन है, कौन सा ट्रू है। तो दो एंगल आपको पता है, सबसे पहले आप थर्ड एंगल फाइंड आउट करिए। कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो आप लोग एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है कि ट्राइंगल के सारे एंगल का मेजर 180 डिग्री होता है। तो मैं इस एंगल को x बोल रही हूँ। क्या बोल रही हूँ? x। तो यहां पे लिखिए 25, पहले लिखिए इन ट्राइंगल पी क्यू आर 25 डिग्री प्लस 65 डिग्री प्लस x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री होगा। ट्राइंगल के सारे एंगल का मेजर 180 डिग्री होगा। रीजन क्या देंगे? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। ये ट्राइंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी है। इन दोनों को ऐड करिए, 5 5 10 कैरी आया 1 7 7 2 9, 90 डिग्री प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। सो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 90 डिग्री। मीन्स ये जो एंगल है ये 90 डिग्री फॉर्म कर रहा है। कितना? 90 डिग्री। 90 डिग्री फॉर्म कर रहा है मीन्स ये राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल है जो 90 डिग्री के सामने वाली साइड होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हाइपोटेन्यूज। सो ये जो क्यू आर है ये हाइपोटेन्यूज है और ये जो रिमेनिंग साइड्स हैं इनको हम लोग क्या बोलते हैं? लेग्स। अब हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। बाई पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर मींस क्यू आर का स्क्वायर इज इक्वल्स टू होगा लेग्स के स्क्वायर का सम। तो यहां पे लेग्स क्या क्या है? क्यूपी है और आरपी है। तो क्यूपी का स्क्वायर प्लस आरपी का स्क्वायर यही होगा। अब आप चेक कर लीजिए कि कौन सा पॉइंट यहाँ पे ट्रू है। तो देखिए ये वाला कहां पे लिखा है? क्यू आर का स्क्वायर। ये है क्यू आर का स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्यूपी का स्क्वायर प्लस आरपी का स्क्वायर। तो ये वाला आपका ट्रू है। आप इसके सामने क्या लिखेंगे? ट्रू। बाकी के ये जो दो पॉइंट्स हैं ये दोनों फॉल्स हैं। ये फॉल्स है, ये फॉल्स है, ट्रू सिर्फ ये वाला है। ओके, नाउ सेवेंथ क्वेश्चन इज फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल हूज लेंथ इज 40 सेंटीमीटर एंड डायगनल इज 41 सेंटीमीटर। ये देखिए एक रेक्टेंगल है, इसका लेंथ है 40 सेंटीमीटर और क्या गिवन है? डायगनल। डायगनल इज इक्वल्स टू दिया है 41 सेंटीमीटर। आपको फाइंड करना है पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल आपको फाइंड करना है। तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर कितना होता है? 2 टाइम्स एल प्लस बी, यही होता है। अगर आप लोग को नहीं लर्न है तो आप लोग यहां से निकाल भी सकते हो। ये देखिए मैं एक रेक्टेंगल बना रही हूं, ये लेंथ होता है ये लेंथ और ये ब्रेथ, ये ब्रेथ। पेरीमीटर क्या होता है? सम ऑफ ऑल द साइड्स। तो आप क्या करोगे? एल प्लस बी प्लस एल प्लस बी। एल प्लस एल कितना हो जाएगा? 2l और बी प्लस बी कितना हो जाएगा? 2b। 2 कॉमन ले लीजिए, ब्रैकेट में आएगा एल प्लस बी। तो मैंने वही लिखा है, अगर आपको नहीं लर्न है तो आप ऐसे निकाल सकते हो। तो मैंने यहाँ पे एक रेक्टेंगल बनाया है, ये है लेंथ। क्या है? लेंथ। और लेंथ हमें गिवन है कितनी? 40 सेंटीमीटर। ये है ब्रेथ और ये है डायगनल, कितनी? 41 सेंटीमीटर। आपको पता है जो रेक्टेंगल में जो कॉर्नर्स फॉर्म होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं। रेक्टेंगल के सारे कॉर्नर्स पे 90 डिग्री का एंगल बनता है, ये आप लोग को पता होगा। ठीक है, तो अगर मैं इस ट्राइंगल की बात करूं, इसका नाम मैं ए दे रही हूँ, बी और सी। अगर मैं इस ट्राइंगल की बात करूं ए बी सी की, तो हमें दो साइड पता है, तीसरी साइड फाइंड आउट करना है और ये राइट एंगल ट्राइंगल है। तो हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके थर्ड साइड फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहां लिखिए इन ट्राइंगल ए बी बाई पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम,
पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर मीन सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर 41 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बाकी के दोनों साइड के स्क्वायर का सम, सो 40 का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। हमें निकालनी बी की वैल्यू है, 41 का स्क्वायर कितना होता है, 41 इंटू 41, 11 जा 11, 4 जा 4, 41 जा 4, 44 जा 16, 1448, 61, 1681 इज इक्वल टू 40 का स्क्वायर, 44 जा 1600 होगा एंड प्लस बी स्क्वायर। अब 1681 ये 1600 इधर आएगा तो माइनस का 1600 हो जाएगा इज इक्वल टू बी स्क्वायर, इसको सब्ट्रैक्ट करिए तो आएगा क्या 81 इज इक्वल टू बी स्क्वायर, मीन्स बी स्क्वायर की वैल्यू आ रही है 81। हमें निकालनी है बी की वैल्यू है, यहाँ देखिए बी स्क्वायर इज इक्वल टू आ रहा है 81, सो बी इज इक्वल टू क्या होगा, इधर से स्क्वायर हटता है तो इस साइड स्क्वायर रूट लग जाता है और आपको पता होगा कि 81 का स्क्वायर रूट कितना होगा, 9 होता है, 9 जा 81, तो इसका आंसर क्या आएगा 9 और यूनिट क्या होगी सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें b की वैल्यू पता चल गई कितनी 9 सेंटीमीटर, लेंथ पहले से पता था, ब्रेथ अब पता चल गई, अब हम पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। 2 टाइम्स l प्लस b होता है, बस वैल्यूज पुट कर दीजिए आंसर आ जाएगा। 2 टाइम्स l की वैल्यू है 40, b की वैल्यू है 9, सो 2 टाइम्स 49 इज इक्वल्स टू, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, 2 इंटू 49 मल्टीप्लाई कराइए, 9 टू जा 18 कैरी आया 1, 4 टू जा 8, 8 1 9, 98 और यूनिट क्या होगी सेंटीमीटर होगी। ये आ गया पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। दिस इज योर आंसर। Now, eighth and last question is, the diagonals of a rhombus measure 16 cm and 30 cm. Rhombus की diagonals given है, एक diagonal है 16 cm और दूसरी 30 cm. तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, D1 is equals to 16 cm है और D2 is equals to 30 cm है. Find its perimeter, इसका perimeter आप लोगों को find out करना है. तो मैंने यहाँ पे एक rhombus बनाया है, ये देखिए rhombus, इसका मैं कुछ नाम दे रही हूँ, A, B, सी डी, ये एक रोम्बस है। रोम्बस की प्रॉपर्टी आप लोगों को पता होनी चाहिए, ठीक है, मैंने कुछ प्रॉपर्टी यहाँ पे लिखी है जिसका यूज यहाँ पे होने वाला है। पहला, ऑल द साइड्स आर इक्वल इन लेंथ, रोम्बस की जितनी भी साइड होती है, कितनी साइड होती है, चार साइड होती है, चारों साइड की लेंथ इक्वल होती है, ये वाली साइड की जो लेंथ होगी वही इसकी होगी, वही इसकी होगी और वही इसकी होगी, चारों साइड का लेंथ इक्वल होगा। सेकेंड, डायगोनल बाइसेक्ट्स ईच अदर एट 90 डिग्री, डायगनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, जो इसके डायगनल्स हैं वो बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, बाइसेक्ट का मतलब आधा आधा डिवाइड करते हैं एट 90 डिग्री, और यहाँ पे कितना फॉर्म होता है तो 90 डिग्री का एंगल फॉर्म होता है और ये दोनों एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करते हैं, मीन्स ये जो डायगनल है पूरा ये आधा आधा डिवाइड हो जाएगा, ये इसके इक्वल होगा और ये वाला इसके इक्वल होगा। अगर मैं इस पॉइंट को ओ बोलूं, ये इंटरसेक्शन पॉइंट को अगर मैं ओ बोलूं तो ये ओडी जो है वो ओबी के बराबर होगा और एओ जो है वो ओसी के बराबर होगा। अब चलिए, आपको डायगनल्स गिवन है 16 एंड 30, ये मुझे थोड़ी छोटी दिख रही है तो मैं इसको 16 बोल रही हूं, यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक ये 16 सेंटीमीटर है। अब 16 सेंटीमीटर को बाइसेक्ट कर दो, क्योंकि डायगनल्स बाइसेक्ट कर रही है तो यहां से लेके यहां तक की लेंथ कितनी हो जाएगी 8 सेंटीमीटर और ये 8 सेंटीमीटर, समझ में आ रहा है। उसी तरीके से ये वाली डायगनल कितनी सेंटीमीटर की है 30 सेंटीमीटर, मीन्स यहां से लेके यहां तक की लेंथ है 30 सेंटीमीटर, तो ये डायगनल्स बाइसेक्ट कर रही है तो यहां से यहां तक कितना होगा 30 का आधा हो जाएगा 15 सेंटीमीटर और ये हो जाएगा क्या 15 सेंटीमीटर, समझ में आ रहा है। अब मैं ये वाला ट्राइंगल ले रही हूं, कौन सा, ये वाला। इस ट्राइंगल में आपको दो साइड
पता है कौन कौन सी, ये वाली और ये वाली। थर्ड साइड आप फाइंड आउट कर सकते हो कैसे, क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके ये वाली साइड पता कर सकते हैं। तो मैं इस साइड को ए बोल रही हूँ, क्या ए। अब चलिए सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन लिखिए इन ट्राइंगल डीओसी, इन ट्राइंगल डीओसी बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर मींस बड़ी वाली साइड का स्क्वायर, बड़ी वाली साइड है ए, ए का स्क्वायर इज इक्वल टू रिमेनिंग साइड के स्क्वायर का सम। तो रिमेनिंग साइड है 15 और 8, तो 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 15 जा 225, 8 जा 64, ऐड करिए 549, 628 एंड 2, ये आ गई ए स्क्वायर की वैल्यू। हमें ए की वैल्यू निकालनी है, इधर से स्क्वायर हटेगा तो इस साइड आ जाएगा स्क्वायर रूट। 289 का स्क्वायर रूट अगर आपको लर्न है तो बहुत अच्छी बात है। 289 का स्क्वायर रूट होता है 17 और यूनिट क्या होगी, सेंटीमीटर। अगर आपको नहीं लर्न है तो आप प्राइम फैक्टराइजेशन से निकाल सकते हो। 289 का प्राइम फैक्टराइजेशन करिए, किससे डिविजिबल है, ये 17 से ही डिविजिबल है। 17 वन जा 17 कैरी आया, 18 19 20 और 8 8 3 11 11 कैरी आया बन गया 119, 17 7 जा 119, ठीक है। अब फिर से 17 से कटेगा, 17 वन जा 17, सो क्या हो जाएगा 289 इज इक्वल टू, मैं लिख सकती हूँ 17 इंटू 17, हमें निकालना है स्क्वायर रूट ऑफ 289। तो ये जो पेयर बना है इक्वल फैक्टर का, इसमें से एक नंबर बाहर आ जाएगा, दैट इज 17। तो 289 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 17। ओके, अब हमें ए की वैल्यू पता चल गई। और ए क्या है, तो ए जो है वो साइड ऑफ द रोम्बस है, ए जो है वो साइड ऑफ द रोम्बस है। और हम लोगों ने पढ़ा है कि रोम्बस की सारी साइड का लेंथ इक्वल होता है, तो अगर ये ए है तो ये भी ए होगा, ये भी ए होगा और ये भी ए होगा। समझ में आया, हमें निकालना है पेरीमीटर। सो पेरीमीटर ऑफ रोम्बस कितना होगा, सारी साइड का सम, ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए इज इक्वल्स टू 4a। वैल्यू पुट करिए, 4a की वैल्यू आई 17 सेंटीमीटर, तो 17 4 जा 68 सेंटीमीटर, ये आ गया पेरीमीटर ऑफ रोम्बस। दिस इज योर आंसर। होप स्टूडेंट्स आपके क्लास अच्छी लगी होगी, मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।